पूना से दसवीं कक्षा पास करके हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस मुंजे ने इन्हें मेडिकल की पढ़ाई करने कलकत्ता भेजा, जहां पर आपने 1914 में नेशनल मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात आप 1915 में वापस नागपुर आ गए, परंतु अपने घर नहीं गए, क्योंकि आपके बड़े भाई महादेव शास्त्री जी आपकी गतिविधियों के कारण आपको अयोग्य एवं अकरणीय मानते थे। उनका कहना था, सीताराम कुछ कहो इसे, समझाओ इसे, कहीं नौकरी करे, विवाह करे, घर संभाले और सुख से रहे। भाई अगर नौकरी नहीं करनी ना तो एक छोटा सा दवा खाना खोले, दवा खाना पर्याप्त धन की सुविधा मैं कर दूंगा। भाई इससे कहो कि ये दुनिया भर के अनावश्यक कार्य करना बंद कर दे, बंद, कहीं मुसीबत में फंस जाएगा ना, तब उसे क्षति का दूध याद आ जाएगा, दूध, तब ये इसके ये मित्र सहयोगी सब भाग जाएंगे, भाग, ये देश के समाज के ये सब काम बड़े लोगों के लिए हैं, हम छोटे लोगों को तो इन झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहिए। अरे मुंह क्या देख रहे हो, समझाओ इस सिरसिरे को, जाओ। देखो केशव, बड़े भैया सही कहते हैं, माता पिता के जाने के बाद अब हम तीन भाई ही तो हैं इस परिवार में, और वो तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारा भला बुरा सब अच्छे से समझते हैं। भैया अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, कुछ आजीविका का निश्चित हो जाए फिर देखेंगे। आजीविका? अरे आजीविका का हो तो गया, तुम डॉक्टर बन गए हो और तुम्हें कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, या अपने खुद का दवाखाना खुल जाएगा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम तो अपने विवाह के बारे में सोचो, विवाह के बारे में। देखिए भैया, यदि आप सभी इस बात को बार बार दोहराते रहोगे तो मैं आज आपको अपना निर्णय सुनाना चाहता हूं। भैया मैंने आज जन्म देश सेवा का व्रत लिया है, देश के प्रति मेरे समर्पित जीवन में ना निजी सुख को स्थान है और ना निजी परिवार को, राष्ट्र कार्य करते समय कभी कभी कारावास भी भोगना पड़ता है, कभी प्राण भी गंवाने होंगे, अन्य भी अनेक प्रकार के संकट आ सकते हैं, ऐसी अवस्था में जानबूझकर किसी स्त्री के जीवन को दुखमय बनाना सर्वथा अनुचित है, मैं विवाह नहीं करूंगा और आज जन्म अविवाहित रहूंगा। और इस प्रकार 1922 में केरल के मालाबार दंगे और 1923 के नागपुर दंगों में कांग्रेस की भूमिका से इनका मन खट्टा हो गया और अंततः इनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया। उस समय देशद्रोह के अपराध में इन्हें कारागार में भी रखा गया और कारागार की उन्हीं सलाखों के पीछे विचार मंथन के साथ जो फल निकला उसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।